फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द क्योटिक सोल। ये वीडियो मैं बहुत ही भारी मन से बना रहा हूँ, लेकिन होप करता हूँ आप लोगों को पसंद आए। हो सकता है वीडियो लंबा हो और इसमें सारी क्वेश्चन का आंसर मैं दे रहा हूँ रीलेवल पर। रीलेवल का सच्चाई जानने के लिए आप लोग इस वीडियो पर बने रहें, पूरा देखें। और मेरे को गालियाँ पड़ रही हैं तो मुझे तो पता ही, आप लोग नींद से अभी जागे नहीं हो, लेकिन आप ही लोग होंगे जो अगर कुछ दिन बाद मेरा सपोर्ट में उतरोगे। दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अगर आप लोगों का सिलेक्शन हो गया तो आप मेरे को गालियाँ देना और अपना सबूत पेश करना। अगर नहीं हुआ तो कम से कम ये दोस्ती हमारा बना रहना चाहिए। दोस्तों, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग से शेयर करता हूँ। दोस्तों, आज से 5 साल पहले हम लोग का टाइम किसने खाया? टिकटॉक ने खाया, पबजी ने खाया, बहुत सारे ऐसे ऐसे आलतू फालतू ऐप्स थे जिन्होंने हमारा टाइम खाया। अब दोस्तों, टाइम चेंज हो चुका है। अब आपको आपका ही फ़ायदा दिखाकर आपका टाइम वेस्ट कराया जाएगा। टाइम बहुत प्रीशियस है दोस्तों, टाइम बहुत प्रीशियस है। आपको 10 लाख 20 लाख का पैकेज का नौकरी, आपको क्या लगता है आपका औकात है? आप क्या जानते हो कि आपको 10 लाख का नौकरी कोई दे? आपको खाली लग रहा है एक तो एग्ज़ाम पास करने से आपको ये सरकारी नौकरी नहीं है दोस्तों। सरकारी नौकरी दूसरा कुछ होता है। सरकारी नौकरी में जाने वाले लोगों को कुछ नहीं आता, उनको वहाँ जा कर ट्रेनिंग मिलता है और वो भी एक एक साल दो दो साल का। आपको क्या पता है दोस्तों कि इनकम टैक्स ऑफिसर भी बन सकते हो बिना बीकॉम किए, बीएससी बैकग्राउंड से भी, बीटेक करके भी बन सकते हो, लेकिन ट्रेनिंग दिया जाता है। सरकार पैसा खर्च करती है, कोई कंपनी अपना यूज के लिए आपको लेगी। आप अगर पहले से उसके यूज के लिए नहीं बने हो तो आपको क्यों लेगी 10 लाख 20 लाख पर? ट्रेनिंग देते हैं ये लोग, लेकिन सिर्फ 2 महीना 3 महीना। वो भी क्या चीज़ का ट्रेनिंग, कैसे ये लोग काम करते हैं उसका, इन लोग का क्या प्रोसेस रहता है? हर कंपनी का अलग अलग प्रोसेस रहता है, उसके हिसाब से लोग आपको ट्रेनिंग देंगे। अब आते हैं री लेवल पे। तो मैंने इधर उधर की बातें बता दी। री लेवल दोस्तों, आपका समय खाट खा रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा। आप बार बार हारोगे, हारते जाओगे। और इसका इतना बड़ा चुतियापा है कि ये फ्री कर दिया है एग्ज़ाम। फ्री करने के बाद इन्होंने अब कुछ दिन पहले तक तो इनका कंपनियां उल्टा पुल्टा क्या क्या कंपनियां थी, अब इन्होंने चेंज करके अब इन्होंने दिखा रहा है टाई अप कर लिया है। तो टाई अप कंपनी थोड़ी करती है, टाई अप इन्होंने उन लोगों के एचआर से कर लिया है। एचआर कोई उनका एम्प्लॉई होता है। आप लोग भी चाहो तो हर कंपनी के एचआर से मिलकर आप लोग भी अपना बिजनेस चालू कर सकते हो प्लेसमेंट का काम करके। प्लेसमेंट का काम आज से ही नहीं चल रहा दोस्तों, बहुत सालों से चल रहा है। आपको भी पता होगा कि प्लेसमेंट जो कंपनियां हैं उनका यही काम रहता है। उन लोग क्या करते हैं, अलग अलग कंपनियों के एचआर से मिले रहते हैं और वो लोग सूटेबल कैंडिडेट प्रोवाइड करते हैं उनको। क्योंकि दोस्तों, बहुत ही आज का इंफॉर्मेशन की दुनिया में भी बहुत सारे ऐसे ऐसे जॉब्स हैं जो अच्छे अच्छे लोगों के लिए खाली रहते हैं और वहाँ पर सूटेबल कैंडिडेट नहीं पहुँच पाते। फिर भी कंपनियाँ इस ट्राई में रहती है कि कोई मिल जाए। तो कोई कैसे मिलेगा, तो एचआर लोग रहते हैं। एचआर लोग एक दूसरे से बहुत मिले जुले रहते हैं। हर कंपनी के आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारी कंपनियों के एचआर एक दूसरे के फ्रेंड रहते हैं, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते रहते हैं। आपको ये बात नहीं पता होगी तो ये बहुत ही कोई नई बात नहीं है। प्लेसमेंट कंपनी ऐसे ही काम करती है। तो री लेवल वालों ने यही दिमाग लगाया है, प्लस उन्होंने अपना इनकम बढ़ाने का भी एक रास्ता निकाल लिया है। उन्होंने ऐसा एग्ज़ाम तैयार किया है, वो तो आउट ऑफ सिलेबस है। आप बीटीए का टेस्ट देते हो तो बीटीए का जितना भी सिलेबस में बुक दिया हुआ है, आप जाके सिलेबस में जो वो दिया हुआ है, व्हाट इज़ केपीआई मैट्रिक्स, ये सब जो जो वो पूछेगा, मैंने वो जो टॉपिक दिया रहता है एडमिट कार्ड के नीचे में, वो आप कॉपी करके आप जाके सिलेबस में दिए हुए बुक जो दिया हुआ है स्टडी मटेरियल, उसका पीडीएफ डाउनलोड करके खाली उसमें सर्च करना। वो वर्ड ही आपको उसमें नहीं मिलेगा, वो वर्ड ही नहीं मिलेगा। और वो लोग क्या करता है, टॉपिक दे दिया है और टॉपिक का रिलेटेड स्टडी मटेरियल का नाम पर बुद्धू बना रहा है। अब क्योंकि आप उसमें उलझे रहोगे
कितने लोग हैं जो उसी किताब को 50 बार भी पढ़ लेंगे लेकिन उसमें से तो क्वेश्चन आने वाला है नहीं, आप BDA के टेस्ट में हमेशा फेल होते रहोगे। तो उन्होंने क्या किया कि उन लोगों ने अपना एक तो कोर्स तैयार किया है आपको बुद्धू बनाने के लिए। जब आदमी बार बार हारने लगता है एक चीज़ में और मन बना लेता है कि इसको मैं करके ही रहूँगा, तो वो क्या करता है लास्ट में वो दुश्मन के सामने क्या करता है, हार मान लेता है, नहीं मानता। जब उसके अंदर में मन बना ही लिया है कि री लेवल पास करके ही दिखाऊँगा, क्योंकि एक हवा फैला हुआ है कि मैं, क्योंकि वो चाहता है, हर कैंडिडेट चाहता है कि मैं री लेवल पास करके 10 लाख 20 लाख का नौकरी पा लूँ। 10 लाख 20 लाख का नौकरी पाने के लिए वो क्या करेगा, 25,000 का कोर्स उसको बड़ा बात नहीं लगेगा, अपने माँ बाप से पैसा लेके उसमें डाल देगा। लेकिन फिर भी दोस्तों उसमें बहुत ही कम चांस है आपका हो सके, क्योंकि पैसा खाने के बाद कोई भी बोलेगा कि आपका पढ़ाई का ऊपर डिपेंड है, तो आप क्या करोगे, भले आप पढ़ने में कितने भी होशियार हो, कुछ भी हो सकता है कि आप कोर्स लेने के बाद सिलेक्ट हो भी जाओ। तो दोस्तों कोर्स सिलेक्ट होने के बाद अगर आपका नौकरी भी लग जाता है तो BDA बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट कौन सा जॉब है ये आपको मैं बता दूँ, ये सेल्समैन का जॉब है। सेल्समैन का जॉब आप खुद अभी जाके अगर कोई कंपनी में अपना रिज्यूम डालते हो तो 8,000-9,000 पर अच्छा खासा आपको स्टार्टिंग मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आज जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो तो आपको 15,000-20,000 यूँ ही दे देगी। और ये क्या करते हैं, ये आपको उसी पोस्ट पे लगा देंगे। मान लीजिए आपको बड़ी कंपनियां में लगा दी, जैसे बायजूस एक नंबर का चोर कंपनी है, आपको तो पता ही होगा, यूट्यूब पे नहीं पता तो जाके देख लीजिए वो कैसे अपने एम्प्लॉयज़ को हायर एंड फायर करता है। इतना गाली देगा, इतना प्रेशर देगा कि आप मेंटल उससे गुजर के रिज़ाइन ही मार दोगे। आपको एक टारगेट देगा, टारगेट उनको अचीव करना है, चाहे आप खुद बचे चाहे नहीं बचे, लेकिन वो टारगेट नहीं बचना चाहिए, क्योंकि टारगेट अगर रह गया तो आपको फायर करने में उनको कोई आपसे सुख दुख और हमदर्दी नहीं रहती। तो इस सेल्समैन के जॉब के लिए आप लोग री लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो, इस पे मुझको हंसी आती है और मैं खुद पे भी हंसता हूँ, क्योंकि ये पागलपन मैंने भी किया है। और ये एक महीना का टाइम से ज़्यादा मैंने 2 महीना भी दिया है। और आप जितने भी इसमें पोस्ट देख रहे हो, अभी जो नया निकला है एसोसिएट का पोस्ट, वो एसोसिएट का पोस्ट दोस्तों क्या है, टेली कॉलर का पोस्ट है। आप लोग को बुद्धू ऐसा बनाया जा रहा है कि आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि आपको जूते भिगा के मारा जा रहा है। आपको शर्म भी नहीं आ रहा कि आप लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना माँ बाप का पैसा खर्चा कर रहे हैं। खर्चा इसलिए कर रहे हैं कि जो समय है आपके लिए बहुत ही है, इससे अच्छा आप लोग कहीं कोई इंस्टीट्यूट में जाके कोई टेक्निकल पढ़ाई कर लो, क्योंकि बहुत बड़ी फैक्ट्री है, आपको नवाबी का नौकरी चाहिए तो जो दुनिया में अब मुमकिन नहीं है। जब हार्ड वर्क करोगे तभी आप नवाब बन के रह सकते हो, जैसे सुंदर पिचई, सत्या नडेला, ये सब कौन है, ये सब डायरेक्ट घुस है, इनको कोई री लेवल का एग्ज़ाम का दरकार नहीं पड़ा था। री लेवल एग्ज़ाम के पहले भी कंपनियां हायर करती थी और अभी भी करती हैं और हमेशा करेंगी, उनका अपना ही एक ये रहता है। दोस्तों कभी आप सोचे भी हो पेटीएम में लोग ऐसे ही घुस जाते हैं, आपको विश्वास नहीं होगा। आप खाली जो पेटीएम के जो लड़के आपके घर में आते हैं अंगूठा का छाप लेने के लिए, आप उनको रिक्वेस्ट करोगे तो वही आपको लगवा देंगे। फ्लिपकार्ट में जॉब चाहिए तो फ्लिपकार्ट के जॉब के लिए आपको री लेवल देना पड़ेगा क्या? आप लोग फ्लिपकार्ट का जॉब खुद जाके ले सकते हो, फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय से बात करके वो लोग खुद आपको एक इंसान के तौर पे आपको रेफर करा देंगे। लेकिन आप लोग अभी भी फंसे हुए हो अपना मोह माया का चक्कर में। आप लोग को री लेवल जैसा प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म लग रहा है, लेकिन ये हद है, आप लोगों का बुद्धि पढ़ाई लिखाई सब बकवास है, या आप लोग इतना ठोकर खा के भी नहीं समझ रहे हो। अगर मेरे को बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बस इतना बता देना चाहता हूँ कि री लेवल का जो एग्ज़ाम है ये अपना वो लोग कोर्स बेचने के लिए किया है। और मान लीजिए एग्ज़ाम कोई पास भी कर ले तो उनको कोई पैसा नहीं लग रहा, उल्टा वो आपको HR को सौंप देंगे, वो HR का फ़ायदा होगा और वो आपको इंसेंटिव दिखा के 5 लाख का जॉब दे देगा। आपको उसमें 2.5 लाख सैलरी रहेगा और 2.5 लाख
टारगेट पूरा करो तो मिलेगा। टारगेट जिस महीना पूरा नहीं होगा उस दिन आपको बढ़िया से पूरा करके घर भेज दिया जाएगा। बस यही सब है जो आपको बताना था। अभी भी आपकी आंखें नहीं खुली और अभी भी आपको नौकरी रीलेवल के थ्रू ही चाहिए, तो आप करते रहिए भैया, रीलेवल कीजिए। मैंने तो छोड़ दिया, मेरा विप्रो में हो भी गया है, मेरे बहुत कम सैलरी में विप्रो में हुआ है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आज से 5 साल बाद मैं एक पोस्ट तक पहुँच ही जाऊँगा जहाँ पर रीलेवल जो ऑफर करता है उससे ज़्यादा मैं कमा सकूँ। सो दोस्तों, थैंक यू, मेरा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। आप लोग भी यहाँ पे जो टाइम वेस्ट आप नहीं किए हो, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना। और दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप लोग से फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप रीलेवल का गुलामी छोड़ो और linkedinnaukri.com पर अपना प्रोफाइल बनाओ और वहाँ से लगातार अप्लाई करते रहो। दोस्तों, एक हवा निकला हुआ है ऑनलाइन पर नौकरी का लगाने का, आप लोग वहाँ से भी अप्लाई करके देख सकते हो। वहाँ पे तो डायरेक्ट होता है, वहाँ पे तो पैसे भी नहीं लगते, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। लेकिन आप लोगों तो रीलेवल का धुन लगा हुआ है, कोई काम नहीं आएगा आपका रीलेवल। 100 में से 2 बच्चों का लगेगा। जितना देर में आप रीलेवल का एग्ज़ाम दोगे उतना देर में आप 20-25 कंपनी का आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो और इंटरव्यू भी आपका होने लगेगा। दोस्तों, आपकी मर्ज़ी क्या करना है क्या नहीं करना। रीलेवल का यही बात है जो मैं आपको आज बता दे जा रहा हूँ, और इसके बाद मैं दूसरी वीडियो डालूँगा, उसको भी पूरा देखिएगा क्योंकि उसमें उसका अगला पार्ट है।